संदिग्ध इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई और उसकी शाखा एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा लखनऊ में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि पीएफआई को पूरे हिन्दुस्तान और पूरे विश्व से बैन किया जाए क्योंकि पीएफआई राष्ट्र विरोधी कामों में लगा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड का कहना है कि आने वाले दिनों में पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर वो सीएम योगी से भेंट करेंगे ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोका जा सके। इससे पहले यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा भी पीएफआई पर बैन लगाने की बात कह चुके हैं। संदिग्ध संगठन पीएफआई और उसकी शाखा एसडीपीआई को बैन करने की मांग अब उठने लगी है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोग बाहर निकल के आए हैं और कह रहे हैं कि इस संगठन की जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं और इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं शाह हसनैन बकई साहब, उनसे बात करते हैं। बैन करने की मांग आप लोग कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी भी बता रहे हैं इस संगठन को? बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है, जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ गतिविधियां करता है, मुल्क के खिलाफ बोलता है, मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल रहता है तो उसको राष्ट्र विरोधी ही बोला जाएगा। राष्ट्र विरोधी आप बता रहे हैं, आपने कहा कि इसके बारे में आपने कोई तहकीकात भी की है? बिल्कुल तहकीकात की। आप अगर केरला की